वेलकम टू माय चैनल माय जी की स्टडी। और इस वीडियो में मैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है लेके आया हूँ, जो कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और एक्चुअली मैं ये आ भी चुके हैं एग्ज़ाम में जो, और मैं हमेशा वही क्वेश्चन लेता जो आ चुके हैं। तो मैं शुरू करता हूँ बिना किसी बकवास के। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को संविधान की किस अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है। चार ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे। इसका राइट आंसर रहेगा फर्स्ट, और इसका एक्सप्लेनेशन नीचे दिया गया है। संविधान की प्रथम अनुसूची में भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नामों का वर्णन किया गया है। भारत के संविधान की अनुसूचियों वे सूचियाँ हैं जो भारत सरकार की नीतियों और नौकरशाही गतिविधियों को वर्गीकृत और तालिकाबद्ध करती है। वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सार्वजनिक क्षेत्र बैंक है, चार ऑप्शन है 10, 12, 14, 32। इसका राइट आंसर है 1, 10। पहले जो थे वो 27 थे, फिर 22 हुए 2017 में, और अब 12 हैं और भी मर्ज हो चुके हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो 1 है। I'm sorry, मैंने इसमें गलत लिखा हुआ है, इसका राइट आंसर 2 है। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये गलत है, इसका आंसर 2 है और 12 इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। चार ऑप्शन है, चीनी उद्योग, डेयरी, बैंकिंग, वस्तुओं का परिवहन। राइट आंसर रहेगा 2, डेयरी। अर्थव्यवस्था के परंपरागत वर्गीकरण में जब किसी उत्पाद को प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त किया जाता है तो उसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहते हैं। डेयरी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है क्योंकि ये पशुओं की जैविक प्रक्रिया पर निर्भर करती है। दूध एक प्राकृतिक उत्पाद है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसमी बेरोजगारी क्या है। चार ऑप्शन है, सामान्यतः नागरिक क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी, ऐसी बेरोजगारी, ये ऑप्शन 2 है, ऐसी बेरोजगारी जिसमें वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं होता है। ऑप्शन 3, ऐसी बेरोजगारी जिसमें वर्ष में रोजगार प्राप्त होता है। और चौथा इसमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर रहेगा 2, ऐसी बेरोजगारी जिसमें वर्ष के कुछ महीने में रोजगार प्राप्त नहीं होता है। मौसमी बेरोजगारी से तात्पर्य उस प्रकार की बेरोजगारी से है जिस में लोग वर्ष के एक विशेष अवधि के दौरान बेरोजगार होते हैं, क्योंकि सामान्यतः मांग की तुलना में श्रम की मांग कम होती है। इसका अर्थ है कि ऋतु में परिवर्तन के साथ ही विशेष प्रकार के कार्य और श्रमिकों की मांग में परिवर्तन आ जाता है। पर्यटन और अवकाश, कृषि, निर्माण और रिटेलिंग मौसमी उद्योग के उदाहरण है, जहाँ मांग उत्पाद और रोजगार मौसमी होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पांचवा, क्षेत्रक में वे उद्यम अथवा कार्यस्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियुक्त होती है। चार ऑप्शन है, असंगठित, संगठित, मौसमी, प्रचन्न। इसका राइट आंसर रहेगा संगठित। संगठित क्षेत्रों में उन कार्यस्थलों या उद्यमों को कवर करते हैं जहां रोजगार की शर्तें नियमित होती हैं, और इस प्रकार लोगों को निश्चित रूप से रोजगार प्रदान किया जाता है। वे सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और इन्हें विभिन्न कानून जैसे फैक्ट्री अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, अनुतोषिक का भुगतान अधिनियम, दुकान अधिनियम इत्यादि दिए गए और नियमों और विनियमों का पालन करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तख्ता पलट है क्या है इनमें से। चार ऑप्शन है, अचानक किसी सरकार को गैर कानूनी ढंग से हटा देना, सेना द्वारा प्रशासन एवं न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कायदे कानून, किसी अन्य शासन व्यवस्था के राजनीतिक नियंत्रण में रहने वाला क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है 1, तख्ता पलट या शासन परिवर्तन। मुख्यतः एकाएक गैर कानूनी और प्राय हिंसक रीति से सरकार को हटाने से संबंधित है। इसे कॉप दी इटैट के रूप में भी जाना जाता है। ये एक प्रकार की क्रांति है जहां सेना या किसी विशिष्ट वर्ग के द्वारा राज्य को प्रत्यक्ष और गैर कानूनी रूप से अपने नियंत्रण में ले लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस प्रकार की सरकार में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधित्व के पास ही होनी चाहिए? निरंकुश, लोकतांत्रिक, मार्शल लॉ और लोकतांत्रिक, कुलीन तांत्रिक, सॉरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर है टू, लोकतांत्रिक। सरकार के लोकतांत्रिक रूप की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि अपने लोग अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचित करते हैं और उनमें अंतिम निर्णय लेने की शक्ति होती है। ये देश के शासन में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कराते हैं। यही कारण है कि लोकतंत्र को जनता का शासन भी कहा जाता है। यही यदि किसी देश में निर्वाचित संसद और सरकार हो, लेकिन वस्तु वास्तविक शक्तियां उन लोगों में निहित हो जो निर्वाचित नहीं है, तो उन्हें तो इसे जनता का शासन नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक राजनैतिक कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है? चार ऑप्शन है, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री का सचिव। राइट आंसर है फोर्थ, रक्षा मंत्री का सचिव। राजनीतिक कार्यपालिका में उन लोगों को सम्मिलित किया जाता है जिन्हें एक विशिष्ट अवधि के लिए लोगों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। वे कानून और नीतियां बनाते हैं और सरकार के एक महत्वपूर्ण भाग का निर्माण करते हैं। रक्षा सचिव लोक सेवक का एक भाग है जो कानून और नीतियों के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेता है और राज्य के प्रशासन का संचालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में एक नए राज्य का गठन होता है, कैसे होता है? इसका चार ऑप्शन है, विशेष बहुमत, सरल बहुमत, बिना किसी बहुमत के, इसमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सरल बहुमत के द्वारा होता है। भारत संविधान एक आर्टिकल है 3, अनुच्छेद 3, संसद को किस विधि द्वारा किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करने या दो से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण करने हेतु अधिकृत करता है? भारतीय संसद साधारण बहुमत द्वारा पारित किसी नियम द्वारा नए राज्य कोषों का निर्माण कर सकती है। भारत में विद्यमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सकती है। तो लास्ट क्वेश्चन है, दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? चार ऑप्शन है, अवतल, समतल, ये तो सबको पता होगा। निकट दृष्टि दोष में इसका राइट आंसर जो है अवतल है। इसको निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये 10-10 टॉप क्वेश्चन थे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे फ्रेंड्स, और ये मेरे एग्जाम में, मतलब ये गवर्नमेंट एग्जाम में आते रहते हैं। जीके है, आपको पता है, जीके में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये सभी एसएससी में, एमटीएस में, सॉरी दोनों एक ही पार्ट है, और आपका रेलवे में, सीएसएफ में ये पूछे जा सकते हैं। तो ये और भी, मैं इसके ऊपर और भी बहुत सारे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ जीके के ऊपर। तो प्लीज़ आप इसको लाइक ज़रूर करें, एंड अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से सब्सक्राइब कर लेना, और प्लीज़ इसको आप शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। थैंक यू।